खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष ने एसएसपी से मुलाकात कर उनकी छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। आपको बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए 3 महीने पहले अल्मोड़ा लौटते समय लोधिया बैरियर पर बनाए गए वीडियो को अज्ञात लोगों द्वारा वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में उन्होंने गुरुवार को एसएसपी से मुलाकात कर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, एक अभी मैंने भी मेरी संज्ञान में आया कि कोई एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये चूंकि जो बात हो रही है, सबसे पहले तो ये है कि घटना मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ी 3 से 4 महीने लगभग पुरानी है। जो अभी बातचीत हुई है, जो संज्ञान में आया कि 3-1 महीना लगभग पुरानी है, तो इतने पुराने वीडियो का अब वायरल होना, ये कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज को भी एक कह सकते हैं कि जाहिर करता है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा चित्राधिकारी अल्मोड़ा को एक गहन जांच के लिए उसमें ऑलरेडी बता दिया गया है। साथ ही साथ में किस तरह से और किस स्तर पर वायरल हुआ, किस वजह से हुआ, इसके लिए हमारी जो साइबर टीम है उसको भी मैंने एक्टिव कर दिया है। साथ साथ में अगर आवश्यकता हुई तो हम एसटीएफ की भी इसमें मदद लेंगे। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली आज सुबह ही कि 3 महीने पहले मैं देहरादून पार्टी बैठक से आ रहा था, लोधिया बैरियर में पुलिस के कांस्टेबल द्वारा, जिनका नाम पवन कुमार है, उन्होंने मेरी 40 मिनट तक मेरी गाड़ी को वहां पर रोक दिया। चेकिंग करने के बहाने से 3 ट्रक वाले रुके थे, उसके बाद वो पैसा मांग रहे थे। मैंने कहा भाई पैसा आप नहीं देंगे। मैंने उसके बाद एसएसपी अल्मोड़ा श्री राजगुरु जी को फोन किया कि आपका कांस्टेबल, जो मेरे पूरे वीडियो में भी आया हो, बड़ा खेत का विषय है कि एक सरकारी तंत्र कर्मचारी पुलिस का उसकी वीडियो बना करके, और जिस चौकी पर बहुत ज़्यादा रात को लोगों को परेशान किया जाता था, हमने उस बात को उससे कहा और एसएसपी साहब ने संज्ञान लिया। तुरंत ही एसएसपी साहब का फोन, जब मैंने बात की जब, तो उन्होंने उसको डांटा भी, और ये 3 महीने बाद वो वायरल कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। वो सरकारी कर्मचारी थे, अगर मैं गलती कर रहा था, अगर मैंने कहीं पर गलत उसमें कहीं पर कोई बात कही होगी, तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।